जनरली हम ये देखते हैं कोई भी गाड़ी जब 3-4 साल पुरानी हो जाती है तो उसका नया फेसलिफ्ट बिल्कुल फ्रेश वर्जन आ जाता है, अपडेटेड गाड़ी आ जाती है। तो कंपनियां यही सोचती हैं यार पिछली वाली गाड़ी से तो बोर हो गए होंगे लोग, क्या करें, डिसकंटिन्यू करते हैं, नई वाली बेचेंगे, यही होता है ना। लेकिन भाई जब लोगों का इतना प्यार बरस रहा हो ना किसी भी पर्टिकुलर गाड़ी पे तो वो भी घुटने टेक देते हैं। भाई एग्जांपल आपके सामने है, ये है होंडा सिटी का 4th जनरेशन, फिर भाई 5th जनरेशन इस समय बिक रही है अच्छी खासी, मतलब 1-1.5 साल हो चुका है बिकते हुए, फिर भी आज भी 4th जनरेशन ऑन सेल है। रीजन क्या है भाई, लोग इतना पसंद करते हैं इसे दो रीजन से। एक तो सबसे पहले आप इसके लुक्स देखो, कभी भी पुराने ना होने वाले लुक्स। उसके साथ साथ इसकी कीमत इस समय सिर्फ 2 वेरिएंट में आ रही है, ये एक है SV और एक है V। ये इस समय अपने आगे V है। आप ये सोचोगे यार ये तो अच्छी खासी महंगी होगी, लेकिन नहीं भाई, आज के समय के हिसाब से ना जो आपको जनरली अपने प्रीमियम हैचबैक्स के रेट मिल रहे हैं ना उसमें ये आपको मिल जा रही है सिर्फ 9,99,000 रुपये, 9,99,000 रुपीज़ में एक्स शोरूम में आपको ये इतनी प्रीमियम गाड़ी जो पूरी तरह से लोडेड है वो मिल जा रही है। और अगर ऑन रोड की बात करें तो मैं उस समय प्लैनेट होंडा मुरादाबाद में, यहाँ पर ही आपको ऑन रोड पड़ रही है सिर्फ 11.5 लाख रुपए की, 11,25,000 रुपए की। भाई बिलीव करना मुश्किल हो रहा है लेकिन भाई सच है ये। यहाँ देखते हैं फ्रंट से लुक तो जबरदस्त यार, इसने तो बहुतों को लूटा है, वाकई में लूटा से मतलब है दिल लूट लिया। लोग आए थे कोई और गाड़ी लेने, सोचा WRV ले लें या कोई ले लें, लेकिन जब इसके आगे आते हैं ना तो पिघल ही जाते हैं भाई। इस तरह से है इसका लुक जबरदस्त। यहाँ हेडलैम्प देखते हैं तो ये आपको मिल रहा है लो बीम, ये मिल रहा है आपको हाई बीम, इस समय दोनों पे दोनों हैलोजन के साथ है और ये हो गया इंडिकेटर। अगर DRL की बात करें, क्योंकि टाइम के साथ साथ तो अपडेट होनी थी ना, DRL इसी जनरेशन से आई थी ये, और जबरदस्त लगती है देखने में। अभी आपको फ्लिकर जैसा लग रहा है कैमरे की वजह से, लेकिन भाई दूर से जब आती है ना बहुत अलग ही चमक, ऐसा लगता है सूरज चमक रहा है यहाँ पर, इतनी बढ़िया लगती है। नीचे आप देख रहे हो इस तरह से मिल रहा फॉग लैम्प, ये है इसका कंप्लीट लुक। होंडा का लोगो जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता गया था और इसमें आप देख रहे हो कितना जबरदस्त लग रहा है। इस तरह से सामने से दिखती है, अगर चौड़ाई की बात करें इसकी तो मिल जाती है आपको 1695 mm, 1695 mm। अब आ जाते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पर, तो भाई साइड से देखने पर कुछ ये मजा देती है गाड़ी, देख रहे हो प्रॉपर एलिगेंट सिडान वाला लुक है। लंबाई सबसे पहले चीज सिडान में यही नोटिस होती है ना, तो लंबाई है इसकी 4440 mm, 4440 mm। और वहीं बात करें इसके व्हीलबेस की तो व्हीलबेस आपको मिल रहा है 2600 mm, 2600 mm। और बात करते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो वो आपको मिल जा रहा है 165 mm। ठीक है, ये तो हो गए डायमेंशन। अब बात आ जाती है इसके व्हील्स की, क्योंकि इस वाली जनरेशन से आपको ये डायमंड कट वाले व्हील मिलने शुरू हो गए थे। अब इसका पहिया देखते हैं तो भाई सबसे पहले डिस्क ब्रेक आपको सामने मिल रही है, और प्रोफाइल देखते हैं 175/65R15, 15 इंच का आपको मिल जाता है। क्रीजेस जबरदस्त हैं, और इसके लुक के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि यार आप सब जानते ही हो, देखते देखते ही इसको प्यार हुआ है। आज भी अगर बिक रही है ना 4th जनरेशन तो इस लुक की वजह से ही बिक रही है। यहाँ देखते हैं तो आपको क्रोम में मिल जाते हैं डोर हैंडल्स, और ये बटन देख रहे हो तो बिल्कुल भाई जो कीलेस एंट्री वाला सिस्टम है, इसमें सिर्फ बटन दबाओ लॉक हो जाएगी, और अनलॉक करने के लिए भी ना आपको सिर्फ हाथ रखना है, जैसे मेरे पॉकेट में है ये मैंने लॉक कर दी, ठीक है लॉक है गाड़ी, और वहीं अनलॉक करनी है ना तो सिर्फ यहाँ पर हाथ रखना है भाई, बटन भी नहीं दबाना। ये बढ़िया फीचर आया था इसमें। उसके साथ देखते हैं ORVM तो आपको मिल रहा है यहाँ पर LED इंडिकेटर के साथ, और ये भी ऑटोमेटिक फोल्डेबल है, जब लॉक करेंगे इसे फोल्ड हो जाएंगे। डीप प्लस ब्लैक आउट है, और भाई इस तरह से पूरा का पूरा लुक आ जाता है गाड़ी का, मस्त लग रही है गाड़ी। ऊपर से देखते हैं तो भाई ऊपर मिलता है आपको शार्फिन एंटीना, यहाँ मिल जाते हैं डिफॉगर्स, और पीछे का लुक आ जाता है कुछ ऐसा, ये देखो बीच में होंडा का लोगो है, सिटी IVTEC पेट्रोल में है ये, और IVTEC ही तो है भाई जिसने ग्लोबली होंडा को विनर बनाया है, अगर हम रिफाइनमेंट या रिलायबिलिटी दोनों फैक्टर्स की बात करें उसमें। यहाँ देखें पूरा का पूरा आपको जो मिलता है सेटअप, ये हेलोजन में ही है, ये हो गया अपना स्टॉप लैंप, ये दोनों के दोनों, और उसके साथ ये है यहाँ पर देख रहे इंडिकेटर, और रिवर्स लैंप हो गया अपने यहाँ पर अंदर की साइड, 1, 2, 3, 4 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, रिवर्स पार्किंग सेंसर और उसके साथ कैमरा भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। पूरी तरह से डिसेंट, बिल्कुल परफेक्ट जिसे कहते हैं ना, कोई कमी ना निकाल पाए। हाँ ये जरूर कहोगे कि यार काफ़ी देख लिया ये, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर कमी निकालने की बात है ना वो आप निकाल नहीं पाओगे इस डिज़ाइन में। यहाँ देखते हैं तो भाई ये मिल रहा है आपको सेंट्रली माउंटेड स्टॉप लैम्प, ठीक ये हो गई कहानी पूरी की पूरी। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये मिल रहा है फ्यूल फिलर कैप, तो भाई इसमें कैपेसिटी कितनी है, पेट्रोल जैसे मैंने बताया 40 लीटर की आपको टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। चलो बाहर से हो गई पूरी गाड़ी, अब बात आती है इसके अंदर की, इंटीरियर में क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने अभी कहा सारी चीज़ें मतलब सर्वगुण संपन्न है ये,
जो चीज आप किसी भी गाड़ी में चाहते हो वो इसमें आपको मिल जाती है। चाबी है कुछ इस तरह से, ये हो गई अपनी लॉक, ठीक है। उसके बाद ये हो गई अपनी अनलॉक, और इससे इसको दबा के रखते हैं, ये देख रहे हो, ये हो गया पॉप यहाँ पर अपना बूट। भाई बूट बहुत बड़ा है, देख रहे हो, भाई पूरी तरह से सेडान है अच्छी खासी, तो बूट तो मिलने ही मिलने हैं। जरा जरा से इस समय कॉम्पैक्ट सेडान जो गाड़ियाँ उनमें अच्छे अच्छे बूट मिल रहे हैं, इसमें क्यों नहीं मिलेगा। चलो सबसे पहले चलते हैं अब हम अंदर। ये है कुछ डोर, क्या बात है, जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है ना ब्लैक के साथ बीच का, वो इसमें आपको मिल जाता है। यहाँ देखें, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट जो आपको दिख रहा है ना अलग टेक्सचर के साथ, ये सॉफ्ट टच है, बाकी हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ तक कंट्रोल्स पे चारों चारों पावर विंडो हैं, ये हो गया ऑटो अप एंड ऑटो डाउन ड्राइवर साइड, साथ में यहाँ सेंटर लॉक करने के लिए इलेक्ट्रिकली, और ये हो गया लीवर क्रोम में, और ट्विटर यहाँ पर मिल जा रहा है। तो भाई स्पीकर 1 2 3 4 चार स्पीकर आपको मिल रहे हैं, और डोर्स में एक बार देखूं, डोर में पीछे हैं, हाँ भाई डोर में ही है, ठीक है। चार स्पीकर हैं और साथ में चार ही आपको ट्विटर मिल रहे हैं चारों के चारों डोर्स पे, ठीक है। ये हो गई कहानी यहाँ पर। अब आते हैं सीट पर, भाई ये वो सीट है जिसने लोगों को लंबी लंबी ड्राइव्स पर पूरा साथ दिया है, ठीक। यहाँ देखिए सबसे पहले अपना जो स्टाइल है, अंडर थाई सपोर्ट, क्या बात है, बोल्सर, ये देखो यार क्या मस्त लग रहा है, बिल्कुल चिकना चिकना सा है, बोल्सर्स अच्छे हैं यहाँ पर, स्कूप्स बढ़िया है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको हेडरेस्ट मिल जा रहा है एडजस्टेबल। भाई जो इस समय फिफ्थ जनरेशन आ रही है ना, उसमें और इसमें डिफरेंस आ जाता है इसका हेडरेस्ट का, कंफर्ट में काफ़ी ज़्यादा आपको खुद फील होगा कि हाँ यार मज़ा तो देती है। उसके साथ हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको दिया हुआ है साथ में, ठीक है। इसमें बैठते हैं जरा अपने, यहाँ क्या बात है, टू टू कर रही है, इसको जरा इंडिकेटर को करते बंद, और लैंप जला रखे थे उसको करते बंद, इसको करते हैं यहाँ से डोर को बंद, और आप करते हैं जरा गाड़ी स्टार्ट। और गाड़ी स्टार्ट करने के लिए भाई यहाँ दिया हुआ है पुश स्टार्ट बटन, ये दबाया हमने यहाँ, और क्या बात है क्या बात है, गाड़ी हो गई है स्टार्ट। और आप ये देखो, आपको वाकई में फील होगा कि भाई बिल्कुल जो टॉप एंड ट्रिम्स में आते हैं ना फीचर्स, वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। भले ही फिफ्थ जनरेशन इस समय आ रही है, लेकिन इसमें भी ऐसा कुछ नहीं करा कि भाई आपको फीचर वगैरह कट कर दिया। हाँ सनरूफ जरूर नहीं मिलती इसमें, लेकिन बाकी अगर काम की जरूरतों की बात करें तो वो सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ देखें हम भाई स्टेयरिंग व्हील, स्टेयरिंग व्हील आपको मिल रहा है कुछ इस तरीके से, एयरबैग 1 और 2 एयरबैग मिल जाते हैं आपको। उसके साथ यहाँ देखें तो क्रूज कंट्रोल आपको मिल रहा है, उसके साथ यहाँ देखते हैं तो भाई ये मिल रहा है म्यूजिक सिस्टम के लिए और टेलीफोनी के लिए कंट्रोल्स, ठीक है, होंडा का लोगो आपको यहाँ मिल जाता है। और एक बार एडजस्टमेंट की बात करें, बिल्कुल टिल्ट हो गया, और साथ में टिल्ट है बस, टेलीस्कोपिक नहीं है, ठीक। उसके साथ साथ भाई पूरा का पूरा आपको देखो ग्लॉसी ट्रीटमेंट यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कंट्रोल, तो ये आपको मिल रहा है अपने ORVMs के, इससे एडजस्ट हो जाएंगे अपने इलेक्ट्रिकली, और ये हो गया अपना फोल्ड करने का, ये देखो हो गया फोल्ड, ठीक है। उसके नीचे आते हैं, ये हो गया अपना हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक। अब आ जाए क्लस्टर में, भाई ये मिल रहा है, बहुत पसंद किया लोगों ने, चाहे बाहर से देखे चाहे अंदर से देखे, ब्लू कलर की आपको थीम दिखती है, ये आप देख रहे हो। उसके साथ साथ ये हो गया अपना, आवाज देखें एक बार, भाई तुरंत ऊपर जाता है तुरंत नीचे आता है, बेटा टैकोमीटर हो गया, यहाँ हो गया 220 की स्पीड के साथ स्पीडोमीटर, और यहाँ पर ही एक और गोल सा मिल रहा है आपको क्रोम के सराउंडिंग के साथ, इसमें मिल रहा है आपको यहाँ पर पूरा का पूरा डिजिटल फॉर्म में MID, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ऊपर आता है माइलेज इंस्टेंटेनियस, उसके नीचे टाइम आ रहा है, उसके नीचे यहाँ पर आ जाता है ये ओडो, फिर ट्रिप, फिर हो गया यहाँ पर टेम्परेचर, और ये यहाँ पर आता है जो हमारा फ्यूल लेवल है वो, ठीक है। और बाकी अदर इन्फॉर्मेशन भी चेंज हो जाती है, उसको हम यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गई कहानी यहाँ पर। अब उसके बाद ये आपको मैंने बता ही दिया इंजन स्टार्ट स्टॉप। यहाँ आ जाते हैं तो भाई ये आपको मिल रहा है रिवर्स, उसके साथ देखो एक बार मैं लगाता हूँ रिवर्स, और ये ऊपर शीट लगी है प्रोटेक्टिव, इसको जरा ये देखो, देख रहे हो बहुत बढ़िया कैमरा कुमरा सब कुछ है। ये आपको मिल रहा है 7 इंच का म्यूजिक सिस्टम, और बाकी 4+4 का सेटअप तो आपको बता ही दिया। नेविगेशन और एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों के दोनों इसमें आपको मिल जाते हैं। और भाई उसके नीचे आ जाते हैं, ये आपको मिल रहा है, अच्छी लगती है यूनिट, मस्त लग रही है भाई। ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाता है, और उसके साथ पूरा का पूरा ये टच रेस्पॉन्सिव है, ये बढ़िया, ठीक है। बाकी शॉर्टकट बटन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, चाहे ऑटो में डाल दो और शुरू हो जाएगा, चाहे आप इसे
मैनुअली यहाँ से कर सकते हैं। उसके नीचे आ जाते हैं तो हो गया 12 वोल्ट का सॉकेट 180 वाटेज के साथ। यहाँ जाते हैं, ये हो गया अपना फोन कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पर हो गया अपने चार्जिंग के लिए, ठीक है। कप होल्डर यहाँ पर आपको मिल जाता है, 5 स्पीड का गियर बॉक्स है इसमें, और जो फिफ्थ जनरेशन है उसमें डिफरेंस ये है, इसमें 5 स्पीड का आपको आता है, उसमें मिलता है आपको 6 स्पीड का, लेकिन 5 स्पीड का भी सफिशियंट रहता है। इसमें ऐसा नहीं है, उसमें ये देखने को मिलता है हमें कि भाई 55-60 की स्पीड पे हम छटा लगा लेते हैं, यहाँ पर 55-60 की स्पीड पे आपको लगता है 5वां गियर, ये डिफरेंस है, ठीक है। अब देखते हैं ये, ठीक है, आर्मरेस्ट स्पेस अंदर मिल जा रहा है आपको, स्लाइडर नहीं है मतलब आगे एक्सटेंड नहीं हो रहा, फिक्स है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ देखें बिल्कुल बढ़िया, कोल्ड नहीं भाई, कोल्ड नहीं है लेकिन स्पेस ठीक ठाक आपको मिल जाता है। यहाँ देखें IRVM डे एंड नाइट एडजस्टेबल है मैनुअली, उसके साथ यहाँ कुछ नहीं है, ये हो गए लैंप्स, ठीक है, और उसके साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है बिल्कुल मिरर, ठीक है। आगे की कहानी कर देते हैं अपने पूरी इस तरह से। अब आ जाते हैं रियर सेटिंग पे, ठीक है, और इसको कर दे यहाँ से बंद, चलो अपने हिसाब से मैंने सीट कर रखी है एडजस्ट, ये देखो, ठीक है। और हाँ भाई डेडिकेटेड डेड पैडल इसमें यहाँ पर हाँ दिया हुआ है आपको, ये रहा, ठीक है। चलो चलते हैं पीछे और दिखाते हैं नज़ारे पीछे के। सबसे पहले आप भाई लेग रूम देखो यार, क्या बात है। सबसे बढ़िया चीज़ क्या है इसमें, इस तरह से टेपर मिलता है, पैर बड़े कंफर्टेबल होके रहते हैं यहाँ पर। अंडर थाई सपोर्ट देखे सीट का, तो ये क्या बात है, पीछे की तरफ टिल्टेड है। उसके साथ जो हेडरेस्ट है वो फिक्स मिलते हैं, लेकिन भाई देख लो कितने सॉफ्ट है ये। और यहाँ देखें आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है कप होल्डर के साथ। एक बार जरा इसमें बैठते हैं अपने, क्या बात है भाई। अरे भाई साहब कितनी जगह है यार, बहुत जगह है अल्टीमेट इसमें। और अंडर थाई सपोर्ट जैसा बताया, बहुत बढ़िया। यही चीजें तो है यार जिसने इतना राज कराया दिलों पर, मतलब लोग जो मांगते थे वो इसमें मिल जाता था, है ना। यहाँ पर हो गया लैंप अपना, आगे तो है ही हो गया सेकेंडरी लैंप, पीछे आपको कन्वीनियंस के लिए मिल जा रहे हैं एसी वेंट्स, ठीक है। उसके नीचे आपको अच्छा दो मिल रहे हैं भाई, ये 12 वोल्ट के सॉकेट, ठीक है। यहाँ पर पीछे काफी एरी एरी सा फील हो रहा है आपको, बढ़िया है। और डोर ट्रिम ये नहीं दिखाया आपको, और अबे यार मैं लॉक ही हो जाता हूँ, देख रहे हो इसमें चाइल्ड लॉक इस समय ऑन है। अब इसको पहले चाबी ऑन करनी पड़ेगी, यार मैं कितनी बार फंसा हुआ यहाँ पर ऐसे। ये इसको करा हमने यहाँ से ऑन, हो जा मेरे भाई, और शीशे को कर लिया नीचे, अब देखो यहाँ से खोलना पड़ेगा। कई बार हुआ है ये चीज़, कई बार, चलो लेकिन फिर भी फ्लो में ही होता है कि भाई चेक करना भूल जाता है। ये देखो ये ऐसे, ठीक है, इसको कर देते हैं सेट, इसको करते हैं दोबारा बंद। और डोर ट्रिम भाई इस तरह से थी, आगे की तरह ही पीछे, ठीक है, वही हिसाब किताब है पूरा। चलो अब खुल जाएगा अंदर से भी। यहाँ आते हैं तो भाई ये है कुछ बूट पे जैसे मैंने आपको बताया था, और इसको खोलते हैं तो ये मिल रहा है आपको पूरा का पूरा 510 लीटर का बूट स्पेस, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त है भाई, पूरी पूरी कवर्ड एरिया है। और यहाँ पर आपको लैंप भी मिल जाता है, ठीक है। यहाँ देखते हैं तो मिल रहा है आपको स्पेयर व्हील, और इसकी प्रोफाइल है 175/65R15 सेम ही है, ठीक है। इसको कर लेते हैं बंद, यहाँ भी पूरा का पूरा कवर्ड है, चलो बढ़िया है। नहीं तो क्या हुआ था, ये कवरिंग ही आने बंद हो गए थे, बिल्कुल खाली खाली सा लगता था। अब जरा दिखाते हैं इसका इंजन, पहले इंजन स्टार्ट कर लेता हूँ तब आपको दिखाता हूँ, क्योंकि भाई बहुत साइलेंट है यार। ये हो गया, और चाबी रख देते हैं अंदर ही, ये नहीं तो टी 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 करती रहेगी, खोल तो लें। ओहो भाई ये मिल रहा है आपको होंडा की जान IVTEC, जो भाई लोगों के दिलों में करता है राज, जहाँ ये देखते हैं ना फिर सवाल वगैरह सब खत्म हो जाते हैं भाई। 4 सिलेंडर इंजन है, पावर की बात करें तो करीब करीब आपको मिलती है 118 BHP की, वहीं अगर टॉर्क की बात करें तो करीब मिलता है 145 NM का, ठीक है। ये कुछ सेटअप आपको दिख रहा है, ABS विद EBD आपको इसमें मिल जाते हैं। यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं थी क्लाइडिंग वगैरह करने की, रीज़न क्या है देख रहे कितना साइलेंट है, और AC वगैरह सब चल रहा है इस समय, तब भी इतनी आवाज़ है हल्की सी, ठीक है। इसको कर लेते हैं यहाँ से बंद। माइलेज की बात करें कि माइलेज कंपनी कितना कह रही है, तो कंपनी इसमें 1500 cc का है, ये बताना भूल गया ना, 1500 cc का है। इसके बाद भी कंपनी आपको इसमें 17.5 के करीब की माइलेज क्लेम कर देती है, जो कि वाकई में बहुत सही है। और इतना निकाल लेते हैं लोग, कभी भी सिटी ने
जिस तरह से ली गई, जिस सोच के साथ ली गई, लोगों को माइलेज के लिए निराश नहीं करा। ठीक है, तो भाई ये हो गई कुल मिला के कहानी फोर जनरेशन सिटी की, जो आज भी बिक रही है, मतलब करीब 2017 या 2018 से, हाँ यार तब से ये वाली शेप आई हुई है। ये देखो क्या मस्त लगती है ना, DRL वगैरह। ठीक है, तो ये तब से बिक रही है और फिफ्थ जनरेशन आने के बाद भी आज भी बिक रही है। क्या बात है, सिर्फ 9,99,000 रुपये में कितना जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी हो जाता है, आप देख रहे हैं। ऑन रोड की बात करें तो मैं हूँ प्लैनेट होंडा मुरादाबाद में, यहाँ पर ही आपको पड़ रही है करीब करीब 11.25 लाख रुपए की ऑन रोड। तो भाई वीडियो करते हैं, वीडियो कैसा लगा बताना जरूर, और आपको वीडियो चलाओ, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों का।